अब हम जानते हैं कि पदार्थों को विद्युत चालन के आधार पर हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं। चालक, कुचालक एवं अर्धचालक। इसके अलावा भी एक वर्ग होता है अतिचालक पदार्थों का। अब हम जानते हैं कि चालक पदार्थ क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा का चालन हो सकता है या जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, उसे हम चालक पदार्थ कहते हैं। चालक पदार्थों में धातुएं भी होती हैं कुछ और अधातुएं भी होती हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी धातुएं हैं जो चालक पदार्थ के रूप में कार्य करती हैं। जैसे कॉपर, चांदी एवं एल्युमिनियम की मिश्र धातुएं चालक पदार्थ के रूप में कार्य करती हैं। कुछ अधातुओं को हम देखते हैं जैसे ग्रेफाइट, कार्बन ब्लैक एवं कार्बनिक बहुलक, जो कि अधातु है लेकिन चालक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। इसी तरह से विद्युतरोधी पदार्थ कहें या कुचालक पदार्थ कहें, इसका अर्थ होगा कि ऐसे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा का चालन नहीं हो सकता है या जो अपने में से विद्युत धारा का चालन नहीं होने देते हैं, इन्हें हम कुचालक पदार्थ कहेंगे। उदाहरण देखिए, कुचालक पदार्थ जैसे कि कांच, लकड़ी, रबड़, कुछ सिरामिक पदार्थ, ये सभी कुचालक होते हैं। इसके अलावा एक और वर्ग होता है अर्धचालक पदार्थों का। अर्धचालक पदार्थों की जो चालकता होती है वो चालक एवं कुचालक पदार्थों के बीच की होती है। इन्हें हम अर्धचालक पदार्थ या सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। उदाहरण में यहाँ पर सिलिकॉन या डोप्ड सिलिकॉन। ये डोप्ड सिलिकॉन का अर्थ क्या है कि सिलिकॉन में या तो हम 13th ग्रुप के किसी तत्व का मिश्रण कर देते हैं या फिर 15th ग्रुप के किसी तत्व को मिश्रित कर देते हैं, तो यह डोप्ड सिलिकॉन बन जाता है। इसके अलावा गैलियम आर्सेनाइड, तो ये सभी पदार्थ जो है वो अर्धचालक की तरह कार्य करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसकी चालकता बहुत अधिक होती है, वहाँ पर प्रतिरोध उसका कम होता है। इन पदार्थों को अतिचालक पदार्थ या सुपरकंडक्टर कहा जाता है। तो सुपरकंडक्टर जो पदार्थ होते हैं उसमें प्रायः देखा गया है कि सिरामिक्स और जो मिश्रित ऑक्साइड्स होते हैं वो 150 केल्विन टेम्परेचर पर सुपरकंडक्टर की तरह व्यवहार करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि धातुओं की चालकता वास्तव में किस कारण होती है। धातुओं में आपने देखा है कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गतिशील होते हैं। तो धातुओं में जो चालकता होती है वह इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के कारण होती है। धातुओं में जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के कारण ही पाई जाती है। धातुओं की जो चालकता है वो चूंकि इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, इलेक्ट्रॉन के गतिशील होने के कारण होती है, और इसी आधार पर हम इसके प्रभावित करने वाले कारकों को भी देख सकते हैं, जैसे धातु का घनत्व है, तापमान है, संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं धातुओं की प्रकृति। तो ये सारे कई कारक हैं जिससे कि धात्विक चालकता प्रभावित होती है। धातुओं की जो चालकता है उसे इलेक्ट्रॉनिक चालकता के नाम से भी जाना जाता है। वही फिर से हम आते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चालकता है और इसी इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के कारण धातुओं की चालकता होती है। जल की जो चालकता है ये प्रदर्शित होती है, यहाँ पर हम देखते हैं जल का सूत्र है H2O, जिसमें H प्लस है और OH माइनस आयन है। तो H प्लस का जो मोलर सांद्रण है और जो OH माइनस है उसके मोलर सांद्रण, दोनों का मोलर सांद्रण हम देखते हैं 10^-7 एम है, मतलब मोलरता है। तो इस तरह से जल की चालकता जो है वो बहुत ही कम होती है क्योंकि उसमें H प्लस एवं OH माइनस जो है उसकी सांद्रता 10^-7 एम है। तो इस तरह से जल की चालकता बहुत ही कम पाई जाती है, 3.5×10^-5 सीमेन पर मीटर। तो इस तरह से जल की चालकता देखी गई है कि बहुत ही कम होती है। लेकिन यदि जल में किसी विद्युत अपघट्य को मिला दिया जाए तो उसकी चालकता का मान बढ़ जाता है, क्योंकि जो विद्युत अपघट्य जल में घोलने पर अपघटित होता है, आयनों में परिवर्तित होता है। तो इस तरह से विद्युत अपघट्य को जब जल में घोला जाता है तो उसकी चालकता का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम विद्युत अपघट्य को किसी विलयन में या जल में घोलने पर किस तरह से उसकी चालकता के मान में वृद्धि होती है, वो आयनों के कारण होती है। और इसको प्रभावित करने वाले जो कारक है, जिसमें हम देखेंगे कि जो विद्युत अपघट्य की प्रकृति है वो इसे कैसे प्रभावित करती है। तो विद्युत अपघट्यों को प्रकृति के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा है दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होंगे,
ऐसे विद्युत अपघट्य जो पूर्णतः आयनित अवस्था में रहते हैं जिसमें वियोजन की मात्रा एक है, मतलब पूर्ण आयनित अवस्था में वो रहता है। तो यहाँ जो प्रबल विद्युत अपघट्य है उसके कुछ उदाहरण में हम देखेंगे कि प्रबल विद्युत अपघट्य में कुछ जो लवण होते हैं वे हैं NaCl, Na2SO4, इसी तरह से जो क्षार है इसमें है NaOH और KOH, इसी तरह से जो अम्ल है HCl एवं H2SO4। तो इस तरह से जो विद्युत अपघट्य है उसको हमने दो भागों में बांटा और प्रबल विद्युत अपघट्य को भी फिर हमने तीन वर्गों में देखा कि कैसे जो लवण हैं वो भी प्रबल विद्युत अपघट्य हो सकते हैं, कुछ अम्ल हैं, कुछ क्षार हैं जो कि प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह कार्य कर सकते हैं। अब हम ये जानेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य, जिसका आयनन बहुत ही कम होता है, इसमें अल्फा का मान एक से कम होता है। ये जो अल्फा है, अल्फा यानी वियोजन की मात्रा, तो अल्फा का सूत्र हम लिख सकते हैं कि आयनों में विभक्त हुए विद्युत अपघट्य के अणुओं की संख्या बटा विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के कुल अणुओं की संख्या को हम कहते हैं अल्फा। तो यहाँ चूंकि अल्फा का मान एक से कम है, आयनन बहुत ही कम होता है, चूंकि यहाँ पर आयनन कम है तो यहाँ पर तनुता को बढ़ाने पर आयनन की जो मात्रा है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रारंभ में हम देखते हैं कि जो तनुता है वह कम है, तनुता बढ़ाएंगे तो जैसे जैसे आयनों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जो चालकता का मान है वो भी बढ़ेगा। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए देखा गया है कि जैसे जैसे तनुता बढ़ाते हैं वैसे वैसे चालकता का मान बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है, जबकि प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनित अवस्था में रहता है, तो यदि तनुता बढ़ाते भी हैं तो उसमें चालकता का मान बहुत ही धीमी गति से बढ़ता है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे कि दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल में एसिटिक अम्ल CH3COOH, H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड, और कुछ दुर्बल क्षार होते हैं जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2. अब हम ये जानेंगे कि आयनिक चालकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंतर आयनिक आकर्षण बल। अंतर आयनिक आकर्षण बल का अर्थ है कि आयनों का आयनों के साथ किस तरह से आकर्षण बल है, किस प्रकार का उनके मध्य अन्योन्य क्रिया हो रही है, इस पर आधारित होगा उसकी चालकता। यदि आयनों आयनों के मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होगा तो गतिशीलता कम होगी, और जब गतिशीलता कम होगी तो चालकता का मान भी कम होगा। इसी तरह से दूसरा पॉइंट हम देखते हैं आयनों का विलायकन। आयनों का जो विलायकन होता है इसका अर्थ है कि किसी भी विलायक अणु के साथ जब आयन जुड़ता है तो वह उसका विलायकन होगा, सॉल्वेशन होगा, और जब विलायक अणु के साथ कोई आयन जुड़ जाता है तो वहाँ पर आकर्षण बल के मान में वृद्धि होती है, और जब आकर्षण बल के मान में वृद्धि होगी तो जो आयनों की गतिशीलता है वो भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि आयनों का विलायकन जितना ज़्यादा होगा आयनों की गतिशीलता उतनी ही कम होगी और चालकता का मान भी कम हो जाएगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं श्यानता या विस्कोसिटी। तो आयनों आयनों के मध्य जितना ज़्यादा आकर्षण बल होगा श्यानता उतनी अधिक होगी, और श्यानता अधिक है तो गतिशीलता आयनों की कम हो जाएगी, गतिशीलता जब कम होगी तो चालकता का मान भी कम होगा। तो जब विलायक विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक है तो श्यानता का मान भी अधिक होगा, तो इस तरह से चालकता का मान कम हो जाएगा। अगला बिंदु है तापमान। तो आप सभी ये जानते हैं कि जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जाता है जो आयनों की गतिशीलता है, आयनों की जो गतिज ऊर्जा है उसके मान में भी वृद्धि होती है, तो टी समानुपाती 1/2 mv² होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं आयनों की जो गतिशीलता है वो भी बढ़ेगी, आयनों की गतिशीलता बढ़ेगी तो यहाँ पर चालकता के मान में वृद्धि होगी, तो तापमान बढ़ाने पर चालकता का मान बढ़ता है। धात्विक एवं विद्युत अपघटनी चालकों में अंतर को जान लेते हैं। धात्विक चालक एवं विद्युत अपघटनी चालक में जो सबसे पहला अंतर है वो है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का। धात्विक चालक में विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह द्वारा होता है, जबकि विद्युत अपघटनी चालक में विद्युत धारा का चालन आयनों के अभिगमन के द्वारा होता है। धात्विक चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, जबकि विद्युत अपघटनी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट्य का अपघटन या उनमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है।
धात्विक चालन का मान ताप बढ़ाने पर कम होता है और विद्युत अपघटनी चालक में ताप बढ़ाने पर आयनों का वेग बढ़ता है, अतः इनमें चालन में वृद्धि होती है। धात्विक चालकों में धनावेशित कर्नल की इलेक्ट्रॉन के साथ अन्योन्य क्रिया के कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जबकि विद्युत अपघटनी चालकों में विलायक की श्यानता एवं अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है। धात्विक चालन में पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, जबकि विद्युत अपघटनी चालन में आयनों के रूप में पदार्थ का स्थानांतरण होता है। धात्विक चालकों की चालकता का मान उच्च होता है, जबकि विद्युत अपघटनी चालकों की चालकता का मान धात्विक चालकों से कम होता है। अब हम विद्युत धारा क्या होता है इसके बारे में जानेंगे कि विद्युत धारा आप सभी जानते हैं करंट फ्लो कैसे होता है। तो जब आवेश का प्रवाह होता है एक निश्चित समय में चालक पदार्थ के ऊपर, तो वही विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा को यदि हम परिभाषित करेंगे तो किसी भी चालक में से प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है और I से इसे दर्शाएंगे तो I बराबर dQ/dt ऐसा लिख सकते हैं इसे। तो dt यानी डिफरेंशियल, टाइम यानी बहुत ही सूक्ष्म समय में, dQ यानी जो आवेश। तो यदि समय के आधार पर आवेश का प्रवाह हो रहा है तो वही इसकी विद्युत धारा के रूप में इसे आंका जाएगा। तो dQ आवेश की वह मात्रा है जो चालक में से dt समय में प्रवाहित होती है। इसके बाद हम जानेंगे प्रतिरोध। किसी भी चालक पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट आती है वो कहलाती है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जो हम देखते हैं वो कैसे उत्पन्न होता है, ये हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल वायर में बिल्कुल रैंडमली मूव करता है और जब इसे हम सेल में जोड़ देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वह निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहा है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वह पॉजिटिव आयन के साथ संघट कर लेता है। तो इस तरह से संघट होने के कारण इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो यहाँ पर कम हो जाएगी, विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो धनावेशित आयन के साथ कोलाइड कर लेता है, गतिशीलता है वो कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की गति में कमी होगी, चालकता में कमी होगी और प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब भी किसी भी विद्युत अपघटनी चालक पदार्थ के लिए भी ओम का नियम फॉलो होता है। जब कभी भी किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर लगाया जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो विद्युत अपघटनी जो चालक पदार्थ होते हैं उसमें भी धात्विक चालकों की तरह ओम के नियम का पालन होता है। ओम का नियम धात्विक चालकों के लिए दिया गया है तो इसी तरह से विद्युत अपघटनी चालक पदार्थ के लिए भी ओम का नियम फॉलो होता है। यहाँ पर हम ओम के नियम को समझ लेते हैं। ओम का नियम चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की सामर्थ्य यानी आई चालक के दोनों सिरों पर लगाए गए विभवांतर यानी भी के समानुपाती होता है। तो आई समानुपाती होता है भी के। तो I बराबर हम लिख सकते हैं RV। यहाँ R प्रतिरोध को दर्शाता है। ओम के नियम को समझना है तो हमने V को ऊपर लिखा और बीच में पार्टीशन किया और I और R बाई तरफ और दाई तरफ लिखते हैं और इस प्रकार हम संबंध को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यदि हमें V निकालना है तो I × R कर सकते हैं और यदि हमें I निकालना है तो V/R कर सकते हैं। इसी तरह से यदि हमें R निकालना है तो हम V/I कर सकते हैं। तो इस त्रिभुज की सहायता से हम ओम के नियम में विभिन्न प्रकार के जो विभवांतर है या जो एम्पियर में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या जो प्रतिरोध है उसकी गणना कर सकते हैं एक छोटे से संबंध के द्वारा। यहाँ पर जो I है वो यहाँ एम्पियर से दर्शाया जाएगा क्योंकि वो विद्युत धारा की सामर्थ्य है। इसी तरह से V यहाँ विभवांतर जिसे वोल्ट में मापते हैं और R जो कि प्रतिरोध है जिसके लिए हम ओम इकाई मानते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में जानेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध किसी भी चालक पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा उसके 1 घन सेंटीमीटर का प्रतिरोध होती है। जो चालक का प्रतिरोध है
यहाँ पर हम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि जो R है, प्रतिरोध है, वह किसके समानुपाती है? वह यहाँ पर L के समानुपाती है। L यहाँ पर है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। यहाँ R जो है प्रतिरोध, वह A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। A यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो हमने देखा कि R समानुपाती होगा L के और R व्युत्क्रमानुपाती होगा A के। तो R बराबर, समानुपाती चिन्ह हटाकर हम बराबर लगाते हैं, तो रो L अपॉन A। रो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध को दर्शाता है। तो यहाँ पर रो इक्वल टू हो सकता है R A अपॉन L, तो रो को दर्शा रहा है। यहाँ R प्रतिरोध है। यदि यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रॉनों के जो बीच की दूरी है उसे 1 सेंटीमीटर मान लिया जाए, एवं जो इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसे हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लें, तो यदि सभी L और A को यहाँ इकाई मान लेते हैं, तो जो विशिष्ट प्रतिरोध है वह यहाँ पर R यानी प्रतिरोध के बराबर होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे इस परिभाषा की पूर्ति हो रही है। चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वह उसके 1 घन सेंटीमीटर का प्रतिरोध होती है। यहाँ हमने उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है वह है 1 सेंटीमीटर। तो चालक के 1 घन सेंटीमीटर का जो प्रतिरोध होगा वह उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब हम जानेंगे विशिष्ट चालकता के बारे में। विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का ही व्युत्क्रम होता है या उल्टा होता है। इसको जानने से पहले हम चालकत्व को पुनः एक बार देख लेते हैं। चालकत्व यानी किसी भी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा का प्रवाह या विद्युत धारा कितनी आसानी से उसमें से प्रवाहित हो सकती है, वह उसकी होती है चालकता या चालकत्व उस पदार्थ की। तो विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का ही व्युत्क्रम होती है। विशिष्ट प्रतिरोध को हमने देखा कि रो से दर्शाया जाता है और जो विशिष्ट चालकता है उसे कप्पा, जो ग्रीक अक्षर है, उससे दर्शाया जाता है। तो यहाँ जो कप्पा है वह बराबर होगा 1/ρ के। तो यहाँ जो 1/ρ हमने लिखा है उसको हम लिख सकते हैं L/RA, क्योंकि जो रो है रो इक्वल टू होता है RA/L। तो चूंकि रो यहाँ पर नीचे है तो हम लिख सकते हैं L/RA। तो यहाँ पर L/A इंटू 1/R। तो L/A यहाँ पर एक नया स्थिरांक हमें मिला जिसे कहते हैं सेल स्थिरांक। इसे G* से दर्शाया जाता है। तो सेल स्थिरांक और यहाँ पर है गुणा 1/R, यानी यहाँ पर 1/R जो कि प्रतिरोध का जो उल्टा है, यानी हम चालकता ले सकते हैं इसे, विशिष्ट चालकता नहीं। यहाँ पर हम 1/R लिख रहे हैं तो इसे हम चालकता कहेंगे। यहाँ पर हम विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई को कैसे लिख सकते हैं? तो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए जो सूत्र है वो हम लिख सकते हैं ohm/cm²/cm। तो यहाँ पर जो ओम सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर को हम काट देंगे तो बचेगा ओम सेंटीमीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए जो इकाई है वो है ओम सेंटीमीटर। तो विशिष्ट चालकता चूंकि विशिष्ट प्रतिरोध का इन्वर्स है, तो विशिष्ट चालकता जो है उसका यूनिट होगा प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। मीटर में यदि लेंगे तो प्रति ओम प्रति मीटर, या इसे सीमेंस पर मीटर के रूप में भी दर्शाया जाता है। यहाँ पर जो प्रति ओम है, प्रति ओम बराबर होता है 1 सीमेंस। तो यदि यहाँ पर प्रति ओम प्रति मीटर लिखा है तो इसे हम सीमेंस प्रति मीटर के रूप में भी लिख सकते हैं। अब हम आयनिक विलयनों की चालकता का मापन कैसे कर सकते हैं ये जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जिस भी विलयन का चालकता का मापन करना है उसमें चालकता सेल को डुबा कर रखते हैं। जो चालकता सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और उसमें एक प्लेटिनम लगा होता है और प्लेटिनम में प्लेटिनम ब्लैक का लेप चढ़ा होता है। यहाँ पर जो चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जो हमने देखा L है और इलेक्ट्रोड का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो A है। तो इस तरह से यहाँ हमें प्राप्त होता है सेल स्थिरांक L/A, जिसे हम G* के द्वारा भी दर्शा रहे हैं। तो सेल स्थिरांक की यूनिट भी देख लेते हैं कि यदि L जो कि उनके बीच की दूरी है वो है सेंटीमीटर में, और यदि A को हम सेंटीमीटर स्क्वायर में ले रहे हैं तो यूनिट आएगी सेल स्थिरांक की प्रति सेंटीमीटर। तो G
स्टार के लिए यूनिट होगा प्रति सेंटीमीटर। तो इस तरह से यहाँ सेल स्थिरांक के लिए यूनिट ज्ञात हो गई। अब यहाँ पर जो सेल स्थिरांक की गणना है वो हम जब करते हैं तो केवल L और A के मापन द्वारा इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिए गए जो सेल है उसके लिए इसका मापन जो है बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है। तो यहाँ पर हम एक प्रामाणिक विलयन लेते हैं या हम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं जिसका अलग अलग टेम्परेचर पर चालकता ज्ञात हो। तो यहाँ KCl लिया जाता है, KCl विलयन, जिसकी अलग अलग तापमान पर अलग अलग चालकता का मापन हुआ है। तो इसके आधार पर हम चालकता की गणना कर सकते हैं किसी भी आयनिक विलयन में। तो इसके लिए सबसे पहले उपकरण की व्यवस्था कैसी की जाती है या व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत पर ये चालकता सेल जो है वो कार्य करेगा, उसके लिए हम इस उपकरण का वर्णन देख लेते हैं। जिस भी विलयन का चालकता ज्ञात करना है उसे चालकता सेल में लिया जाता है। तो विलयन से भरा जो चालकता सेल है वह व्हीटस्टोन ब्रिज की एक भुजा को बनाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में आप देखिए यहाँ पर चालकता सेल जो है उसका एक भुजा व्हीटस्टोन ब्रिज की भुजा के रूप में अटैच हो रहा है। तो चालकता सेल कांच का बना होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और उस पर प्लेटिनम ब्लैक का लेप चढ़ा हुआ है। विलयन से भरे चालकता सेल को एक थर्मोस्टेट या ताप स्थाई में रखते हैं जिससे तापमान जो है वो हमेशा स्थिर रहे। यहाँ पर विद्युत धारा जो है वो एसी करंट फ्लो किया जाता है, डीसी करंट यहाँ पर फ्लो नहीं किया जाता है। यहाँ पर डीसी करंट फ्लो नहीं करने का कारण ये है कि जो विद्युत अपघट्य है उसका विघटन होने लगता है, विद्युत अपघटन होने लगता है, इस कारण से यहाँ पर डीसी करंट जो है फ्लो नहीं करते हैं। यहाँ पर जो विलयन का प्रतिरोध है वह R2 है और प्रतिरोध जो R1 R3 R4 है उसको अच्छी तरह से समंजित या एडजस्ट कर लेते हैं और ब्रिज को संतुलित अवस्था में रखते हैं और एक डिटेक्टर लगा देते हैं। डिटेक्टर के रूप में प्रायः यहाँ पर हेडफोन का प्रयोग किया जाता है। तो हेडफोन में यदि किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं हो रही है इसका अर्थ ये है कि वह ब्रिज जो है वो अच्छी तरह से संतुलित है, यहाँ पर डिटेक्टर उसकी पहचान करा देता है। यहाँ संतुलित अवस्था में हेडफोन में किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अब जब इसे हम R1 R2 से कैलकुलेट करेंगे तो देखिए जो R2 है वह विलयन का प्रतिरोध है, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो R2 ज्ञात करने के लिए R1 R4 अपॉन R3 होता है। यहाँ पर जो G स्टार है, जी स्टार यहाँ पर सेल स्थिरांक है जो हमने देखा था, जी स्टार को हम प्रदर्शित करते हैं एल अपॉन ए से। तो एल अपॉन ए जो है वो सेल स्थिरांक है इक्वल टू आर इंटू कप्पा, कप्पा यहाँ पर चालकता, विशिष्ट चालकता को दर्शा रहा है। यहाँ R2 इक्वल टू R1 R4 अपॉन R3 हमने लिखा, तो कप्पा इक्वल टू हम लिख सकते हैं सेल स्थिरांक अपॉन यहाँ पर R, तो R यहाँ प्रतिरोध है। तो यदि प्रतिरोध ज्ञात है तो हम आसानी से चालकता की गणना कर सकते हैं।